इरफान खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिनकी इज्जत और रुतबा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में थी। जब पिता का साया सर से उड़ जाता है तो बेटे को सब कुछ त्याग कर विरासत संभालने उतरना ही पड़ता है। कल रात एक इवेंट में पहुंचे इरफान खान के बेटे बाबिल खान जिस इज्जत से पेश आ रहे थे, जिस तरह से वो सबको इज्जत दे रहे थे, ऐसा व्यवहार स्टार किड्स में देखना सबको हैरान कर गया। स्टार किड्स तस्वीर खिंचवाने के बाद पलट कर तक नहीं देखते और यहाँ बाबिल बार बार सिर झुकाकर सबका अभिवादन कर रहे थे। उनका ये व्यवहार लोगों के दिलों को छू रहा है और स्टार किड्स की भीड़ में वो अपनी एक अलग इज्जत बनाते जा रहे हैं। इरफान खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिनकी इज्जत और रुतबा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में थी। शायद अगर आज के दौर में अगर वो जिंदा होते तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गए होते। जब लोगों ने टैलेंट की कद्र करना शुरू किया तो टैलेंट का बेताब बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन अब पापा की परछाई लिए इरफान खान के बेटे बाबिल खुद उतर आए हैं। वो ये जानते हैं इरफान खान इस दुनिया में क्या मुकाम बना कर गए हैं। उनकी सादगी कला के लिए प्रेम, उनकी गजब की कलाकारी, उनकी कमाई, एक एक चीज का भार अब बाबिल के कंधों पर है। बाबिल जितनी जिम्मेदारी के साथ इसे निभा रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाबिल व्यवहार में बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। स्टार किड्स की भीड़ में बाबिल अकेले ऐसे हैं जो सबसे हुनरमंद नजर आते हैं। स्टार किड्स को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भारी भारी फिल्म बनाते हैं, लेकिन बाबिल ने अपना पहला कदम OTT पर रखा है। वो OTT से लॉन्च होकर अपना टैलेंट साबित करना चाहते हैं और उन्हें लॉन्च करने के लिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हाथ नहीं रखा, बल्कि बाबिल ने बाकायदा ऑडिशन देकर फिल्म हासिल की। पिछले दिनों उनकी फिल्म कलाकार का टीजर रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। बाबिल से लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। अगर बाबिल इस कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो भारत के लोग उन्हें खुद देश का सबसे बड़ा स्टार बना देंगे। फिलहाल बाबिल के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।